पाटलीपुत्र मीशा भारती जी, पाटलीपुत्र मीशा भारती जी, पाटलीपुत्र मीशा भारती जी। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। महागठबंधन के भीतर आज सीटों का ऐलान हो गया। सीटों के ऐलान के साथ साथ उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी और जीतनराम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि अभी आरएलएसपी के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस की के लिए भी एक दो सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो आरजेडी का जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, उसको लेकर के लालू परिवार के अंदर ही काफ़ी विवाद हो गया था। लेकिन आज जो घोषणा हुआ है उसमें पाटलिपुत्रा सीट एक बार फिर से तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती को दिया गया है। वहाँ से मीसा भारती उम्मीदवार होंगी। कल जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, चर्चा थी कि इस बार मीसा भारती का टिकट पाटलिपुत्रा सीट से कट गया है। वहाँ से मनेर के जो विधायक हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र, उनको टिकट मिला है। इसकी खबर के बाद कह सकते हैं कि आरजेडी में भूचाल आ गया था, खासकर लालू परिवार में। जिस तरह से कल तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया था और कहा था कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से सीट पर लड़ने का ऐलान करेंगे, लेकिन लालू यादव ने इसमें दखल दिया और जिसका नतीजा था कि तेज प्रताप यादव ने अपना पीसी रद्द कर दिया। लेकिन शाम में उन्होंने इस्तीफा, अपनी पार्टी की जो छात्र विंग है उसके संरक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चला पाटलिपुत्रा सीट को लेकर के, उसके बाद एक बार फिर से मीसा भारती को पाटलिपुत्रा का सीट दे दिया गया है। तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया है। लेकिन जिस तरह से पाटलिपुत्रा सीट को लेकर के विवाद उभरा, खुलकर के पहली बार लालू परिवार में इस तरह का विवाद उभरा कि दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी में खुलकर के विरोध सामने आया। वैसे तो कई मुद्दों पर विवाद देखने को मिलता था, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर के दोनों भाइयों में विवाद खुलकर के सामने आ गया। जिस तरह से 2014 में भी वहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ी थी, लेकिन रामकृपाल के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से मीसा भारती मैदान में होंगी। सामने जो एनडीए की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, वो एक बार फिर से रामकृपाल यादव होंगे। दोनों के बीच टक्कर होगी। आज मीसा भारती के ऐलान के साथ ही मीसा भारती आज चुनाव मैदान में उतर भी गई हैं। वे पाटलिपुत्रा इलाके में जनसंपर्क के लिए निकल भी गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों की लड़ाई में, जिस तरह से 2014 में मीसा भारती और रामकृपाल यादव में लड़ाई हुई थी, लेकिन जो सेहरा था वो रामकृपाल के सिर पर बंधा था, एक बार फिर से दोनों आमने सामने होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी मिलती है।